महाराष्ट्र के अकोला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले का उजागर करते हुए जिला कार्यालय के प्रबंधक संजय बलिराम और एक कर्मचारी को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक इंजीनियरिंग के छात्र ने शैक्षणिक कर्ज के लिए मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के अकोला दफ्तर में आवेदन किया था, लेकिन अकोला जिला कार्यालय के प्रबंधक संजय बलिराम ने कर्ज के दस्तावेजों को मुंबई मुख्यालय भेजने के लिए उससे 7000 रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत छात्र ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। कंप्लेनेंट जो है इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर का स्टूडेंट है,